हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिक लैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्रीम इलेवन पर आखिर हम लोग टीम बनाते हैं तो सीबीसी का सिलेक्शन करने के लिए सोचते हैं कि आखिर हम किसे सही तरीके से चुन सकते हैं, किसे अपने टीम में ले सकते हैं। तो सारा कुछ हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीट वॉच कीजिएगा तो आप कल के डेट में ये नहीं सोचना होगा कि किसे सीबीसी बनाना है और किसे नहीं बनाना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपने वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सीधा सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल में लिखा हुआ है कि सीबीसी का सिलेक्शन आखिर किस तरीके से कर सकते हैं या फिर सीबीसी कैसे चुने। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सीबीसी का सिलेक्शन करने के लिए हमें किस चीज का जानकारी होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें पिच रिपोर्ट जानकारी होना चाहिए। तो पिच रिपोर्ट में आखिर क्या क्या होता है वो चीज हम लोग समझते हैं। तो पिच रिपोर्ट में देख सकते हैं जैसा कि बैटिंग पिच होता है, एक बॉलिंग पिच होता है, एक बैलेंस पिच होता है और तीसरा आपका चौथा जो होता है स्लो या फिर स्पिन पिच होता है। कहने का मतलब है बॉलर्स को सपोर्ट करता है वो चीज। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैटिंग पिच के बारे में। तो बैटिंग पिच में आखिर हमें किस तरीके से कैप्टन और कैप्टन का सिलेक्शन करना होता है वो चीज हम लोग जानते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज कीजिए कि बैटिंग पिच है तो बैट्समैन को आपको कैप्टन बनाना होगा, वाइस कैप्टन बैट्समैन को बनाना होगा। तो किस तरीके से बना चाहते वो समझते हैं। जैसे में मान के चलिए कि बैटिंग पिच है, ठीक है, अब यहाँ दोनों टीम के ओपनर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनर नंबर वन टीम वन, ओपनर नंबर टू टीम वन, उसके बाद ओपनर नंबर वन टीम टू और ओपनर नंबर टू टीम टू। तो कहने का मतलब दोनों टीम से जो दोनों ओपनर्स होते हैं उनको अपने टीम में स्थान देना है और बारीकी से रोटेट करते हुए दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। जैसे सपोज करते हैं, पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक टीम है कि आपका टीम वन का ओपनर और टीम टू का ओपनर, उसके बाद टीम टू का और वन का, उसके बाद आप चाहेंगे तो यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद टीम वन यहाँ से लीजिए, टीम टू का ओपनर और टीम वन का दूसरा ओपनर, उसके बाद फिर से यहाँ से लीजिए टीम टू का ओपनर और टीम वन का ओपनर। तो इस तरीका से रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, यानी कि सी और वी सी बना सकते हैं। ये तरीका से आप एक सिलेक्शन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और भी आपको बहुत सारा टिप्स है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ जाते हैं बॉलिंग पिच में। तो बॉलिंग पिच आखिर किस तरीका से बनाया जाता है वो चीज़ समझिए। बॉलिंग पिच में आपको ऐसा बॉलर को लेना है जो कि ओपन और डेथ में बॉलिंग कराता है, ओपन और डेथ में, जो कि टीम वन का बॉलर होना चाहिए। ठीक है, ओपन और डेथ में यहाँ लिखा हुआ है कि देख सकते हैं कि ओपन और डेथ में आपका वो बॉलर होना चाहिए जो ओपनिंग करता है बॉलिंग और डेथ में बॉलिंग कराता है। कौन सा बॉलर होना चाहिए? तो टीम वन का बॉलर होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा फिर वही बात है कि ओपनर बॉलर और आपका डेथ ओवर बॉलर टीम टू से लेना है। तो दोनों को आप रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इस चीज को आपको गौर करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस चीज पे हम ज्यादा फोकस करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं बैलेंस पिच पे। तो बैलेंस पिच पे आखिर मान के चलिए पिच जो है बैट्समैन और बॉलर सभी को हेल्प कर रहा है, तो उसको हम बैलेंस पिच कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीका से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, पहला बात यहाँ नोटिस कीजिएगा, आपको दिखा देते हैं कि ओपनर वन ओपनर हो गया टीम वन से, और उसके बाद डेथ ओवर बॉलर टीम वन से। मतलब है कि जिस टीम से आप बैट्समैन को ओपनर को आप बना रहे हैं कैप्टन, उसी टीम के बॉलर को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन। मतलब कि अगर मान के चलिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया का ओपनर बैट्समैन को आप कैप्टन कर दीजिए
और वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं इंडिया के ओपनर बॉलर को, सॉरी डेथ ओवर बॉलर को। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड में, तो सेकंड में है कि दूसरे टीम से ओपनर को ले लेना है और डेथ ओवर बॉलर को ही दूसरे टीम से ले लेना है। तो उस तरीका से आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का टीम है तो पाकिस्तान के टीम से ओपनर बैट्समैन मान के चलिए आप मोहम्मद रिजवान को ले रहे हैं, तो आप साइंस अफरीदी को ले सकते हैं और हरीश रऊफ को ले सकते हैं। किसी को जो भी डेथ में बॉलिंग कराता है उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इससे आपको सुविधा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बैलेंस पिच है तो दोनों को हेल्प करेगा, बैट्समैन और बॉलर दोनों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्पिन और स्लो का। ठीक है, तो स्पिन और स्लो पिच अगर हो तो वहाँ पे आपको किस तरीका से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है वो चीज़ समझ लीजिए। तो जैसे मान के चलते हैं पिच जो है स्पिन को सपोर्ट करता है और पिच स्लो भी है, तो यहाँ पर स्पिन बॉलर टीम वन से लेना है और स्पिन बॉलर टीम टू से लेना है। इसमें है कि दोनों को रोटेट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। एक टीम में मान के चले टीम वन वाले को कैप्टन बना दिया और एक टीम में टीम टू वाले को कैप्टन बना दिया, फिर वाइस कैप्टन भी चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि नोटिस में जो दिया हुआ है वो समझ लीजिए। नोट में स्पिन में अगर कोई पार्ट टाइम बॉलर है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो स्पिन बॉलर है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करता है तो समझ लीजिए कि उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना होगा, क्योंकि पिच स्लो है तो भी बॉलिंग करा सकता है। अगर मान के चलिए आप अपने टीम में लिए हैं और आपके अपोनेंट या फिर आप मेगा जीएल खेल रहे हैं उसमें नहीं कोई लेता है तो आपका अच्छा खासा रैंक उछाल मारेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरीके से आप सिलेक्शन कीजिएगा तो आपका अच्छा खासा रैंक आने वाला है जीएल में। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर किसी प्रकार का आपका डाउट रह गया है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करने में अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।